योगी सरकार के सत्ता में वापसी आने के बाद पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। जनपद संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश गोवध के मामले में वांछित चल रहा था। जनपद संभल का हयात नगर थाना क्षेत्र में पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अवैध शस्त्र के साथ इनामी बदमाश सानू को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश को घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। इनामी बदमाश सानू पर 25,000 का इनाम घोषित है। इनामी बदमाश गोवध के मामले में वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आज ये थाना हयात नगर क्षेत्र में नवाब खेल करके जगह है ये, जहाँ पे आज हयात नगर पुलिस से और एक बदमाश है जिससे मुठभेड़ हुई, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। उसका नाम सानू है, सनाब खालिद, तुकंदी सराय का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। ये गोवत के मामले में वांछित चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी प्रयास में ये मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार करके उसको जो है अभी, क्योंकि वो घायल था, अस्पताल भेजा गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।